इस वीडियो के अंदर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ये टॉपिक कवर करेंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस एंड व्हाट आर दॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स और ट्यूबर क्लोसिस के ट्यूबरकुलोसिस के क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है उसके कोजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है और इसके साथ साथ क्लास एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे उसके साथ साथ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो सिलेबस में है जिसमें सबसे पहले आइसोनियाजाइड है इसका स्ट्रक्चर है इसकी प्रॉपर्टीज़ है इसका केमिकल नेम है इसके यूज़ेज़ हैं इसके साथ साथ ब्यूटॉल है इसका स्ट्रक्चर है इसका केमिकल नेम है इसकी प्रॉपर्टी है इसके यूजेस हैं ऑफिशियल प्रपरेशन है इसके साथ साथ एसिड है इसका स्ट्रक्चर है इसका केमिकल नेम इसकी प्रॉपर्टी इसके यूजेस ऑफिशियल प्रिपरेशन है और लास्ट ड्रग जो है पैराजिनाइड इसका भी स्ट्रक्चर है इसका केमिकल नेम है और इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस और ऑफिशियल प्रिपरेशन है ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चंस को हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कोश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछ सकता है इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे एंटी ट्यूबर ड्रग उससे पहले व्हाट इज़ ट्यूबर क्लोसिस कि टीबर क्लोसिस क्या है ट्यूबर क्लोसिस जिसको हम टीबी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में जो बोलते हैं टीबी अक्सर बोलते हैं कि टीबी हुआ तो व्हाट इज़ टीबर क्लोसिस ये टीबी टीबी क्या है तो हम टीबी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्यूबर क्लोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्यूबर क्लोसिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ट्यूबर क्रोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्यूबर क्लोसिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टेरियम ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस की वजह से होता है इट इज़ ए सस्टमिक डिसज़ कॉमनली इन्वॉल्विंग रेस्परेटरी सिस्टम ये एक सिस्टमिक डिसीज़ है कि इसके जो ऑर्गनिज़म्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और रेस्परेटरी सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करते हैं इसको इन्वॉल्व करते हैं बट किन बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बॉडी के सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है और हम बोल सकते हैं कि सिंपल वे में कि अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ ट्यूबर क्लोसिस तो ट्यूबर क्लोसिस इज़ ए करोनिक डिसीज़ और क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस इट इज़ ए सिस्टमिक डिसीज़ कॉमनली इन्वॉल्विंग रेस्परेटरी सिस्टम बट कैन बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी ये इसका इफेक्ट हो सकता है इस सिंपल इस तरीके से सिंपल वे में हम ट्यूबर क्लोसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्रॉनिक डिसीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस की वजह से होती है जिसमें लंग्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गन्स पर भी इसका इफेक्ट होता है अब इसके बाद हम देखेंगे एंटी ट्यूबर क्लर ड्रग एंटी टीबी ड्रग एंटी टीबी ड्रग द ड्रग विच आर यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर क्लोसिस सिंपल वे में वो ड्रग जो ट्यूबर क्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं उसको एंटी ट्यूबरकूलर ड्रग या एंटी टी बी ड्रग बोल सकते हैं द ड्रग विच आर यूज़ फ़ॉर द ट्रीटमेंट ऑफ़ ट्यूबरकलोसिस आर कोल्ड एंटी ट्यूबरकूलर ड्रग वो ड्रग जो ट्यूबरकलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं उसको हम बोल सकते हैं एंटी ट्यूबरकूलर ड्रग एंटी टी बी ड्रग द ड्रग विच आर यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकलोसिस आर कोल्ड एंटी ट्यूबरकूलर ड्रग ये सिंपल वे में उसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अब अगर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे इसको दो तरीक़े से क्लासिफाई कर सकते हैं एंटी ट्यूबर ड्रग जो है वो दो तरीक़े से क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एफिकेसी एंड सेफ़्टी ऑफ द ड्रग एंटी ट्यूबर क्लर ड्रग कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एफिकेसी एंड सेफ्टी कितना इफेक्टिव ड्रग है और कितना सेफ ड्रग है इसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि टीवी ड्रग कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है उसकी एफिकेसी के अकॉर्डिंग उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये एंटी टीबी ड्रग इस तरीक़े से इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेकेंड उसका केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके अंदर में ड्रग के अंदर में उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अगर हमने इसको इसकी एफिकेसी और सेफ्टी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया तो ईजीली हम इसको दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको प्राइमरी ड्रग्स भी बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग और प्राइमरी ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग और प्राइमरी ड्रग इसको उसकी एफिकेसी के अकॉर्डिंग और उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग एंटीटीबी ड्रग कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर सेफ्टी एंड एफिकेसी इनटू टू मेन ग्रुप फर्स्ट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको प्राइमरी ड्रग्स भी बोल सकते हैं एंड सेकंड दूसरा सेकंड लाइन ड्रग सेकंड लाइन ड्रग्स इस तरीके से इसको दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग तो अब इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग है अब इसको फर्स्ट लाइन ड्रग और प्राइमरी ड्रग क्यों बोलते हैं कभी कभी ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन फर्स्ट लाइन ड्रग और प्राइमरी ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग और सेकेंडरी ड्रग तो हम सिंपल वे में फर्स्ट लाइन ड्रग को एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस ये ऐसी ड्रग है जिसको हम ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं कि अगर टी हो गया तो डॉक्टर सबसे पहला प्रेफरेंस ये ड्रग को देगा इसलिए बोलते हैं दिज आर द ड्रग ऑफ़ चॉइस यूज़ इन इनिशियल फेज ऑफ द डिसीज़ जो डिसीज़ के इनिशियल फेज में जिसको यूज़ करते हैं जैसे टी भी किसी को डिटेक्ट हुआ और डायग्नोज हुआ तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू होगा वो प्राइमरी ड्रग्स से और फर्स्ट लाइन ड्रग्स से ड्रग यूज़ होगा तो फर्स्ट लाइन ड्रग आर द ड्रग ऑफ चॉइस यूज इन इनिशियल फ़ेज़ ऑफ़ द डिसीज़, दे आर लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग आर लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव ड्रग। ये कम टॉक्सिक है ज़्यादा इफेक्टिव है जो हमारे लिए जरूरी है किसी भी ड्रग और डिसीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर तो सिंपल अगर इसने पूछा व्हाट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग और एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन ड्रग कि इसको फर्स्ट लाइन ड्रग को एक्सप्लेन करो तो हम सिंपल वे में फर्स्ट लाइन ड्रग को एक्सप्लेन कर सकते हैं फ़र्स्ट लाइन ड्रग्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। फर्स्ट लाइन ड्रग आर द ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ इन इनिशियल फ़ेज़ ऑफ़ द डिसीज़। दे आर लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव ड्रग दे आर लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव ड्रग के ये ड्रग ऑफ चॉइस है जिसको इनिशियल फेज में यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होता है टॉक्सिसिटी कम होती है यानी साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और इफ़ेक्ट इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ड्रग बोलते हैं अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड इथमब्यूटॉल आइसोनियाजाइड, इथमब्यूटॉल इस्टेप्टोमाइसिन स्टेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन और पायराज पायराजन ये ड्रग हम लिख सकते हैं फोर्स्ट लाइन ड्रग में इसके एग्जांपल कि आइसोनियाजाइड इथम्ब्यूटॉल स्टेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन पायराजनाइड फोस्ट लाइन ड्रग अब इसके बाद ये फ़र्स्ट लाइन ड्रग हो गया इसके एग्जांपल्स के साथ हमने इसको फर्स्ट लाइन ड्रग को लिखा तो अब इसका सेकेंड लाइन ड्रग हम देखेंगे कि ये सेकेंड लाइन ड्रग क्या है जो है हमने जैसे शुरू में बताया कि इसको एफिकेसी के अकॉर्डिंग और उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग दो ग्रुप में क्लासिफाई किया फर्स्ट लाइन ड्रग जिसको प्राइमरी ड्रग भी बोलते हैं सेकेंड लाइन ड्रग जिसको सेकेंडरी ड्रग भी बोलते हैं अब इसके अब इसको सेकेंड लाइन ड्रग क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंड लाइन ड्रग और सेकेंडरी ड्रग भी बोल सकते हैं दीज आर द ड्रग जनरली इंडिकेटेड इन द इफ़ द ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस टू द फर्स्ट लाइन ड्रग दीज ड्रग आर यूज द ऑर्गेनिजम्स इज़ रेजिस्टेंस टू द फर्स्ट लाइन ड्रग ये सेकेंड लाइन ड्रग उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब ऑर्गेनिज़म जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्ट हो गए यानी ये ड्रग देने की वजह से ऑर्गेनिजम्स पर इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया ऑर्गेनिजम्स पर इसका इफ़ेक्ट खत्म हो गया अब इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा ऑर्गेनिजम्स ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उसके बाद जो ड्रग हम यूज़ करेंगे वो सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ करेंगे ये इफ़ द ऑर्गेनिजम्स इज रेजिस्टेंस टू द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस विद द फर्स्ट लाइन ड्रग इफ़ द ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस विद द फर्स्ट लाइन ड्रग दैन द सेकेंड लाइन ड्रग्स आर यूज अगर ऑर्गेनिजम जो है फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो उसको सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ कर सकते हैं हम अब इसके कंपेयर में दे आर मोर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव ड्रग दे आर मोर टॉक्सिक सेकेंड लाइन ड्रग आर मोर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव ड्रग तो इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पैरा अमीनो सेलिसलिक एसिड है पैरा अमीनो सेलेसेलिक एसिड इथियो न ये ड्रग हम सेकेंड लाइन में ड्रग में तो सेकेंड लाइन ड्रग हम क्यों यूज कर रहे हैं व्हेन द ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस विद द फर्स्ट लाइन ड्रग सेकेंड लाइन ड्रग आर मोर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ड्रग इसलिए इसको सेकेंडरी ड्रग बोलते हैं या सेकेंड लाइन ड्रग बोलते हैं इस तरीके से इसको दोस्त में क्लासीफाई अगर किसी ने पूछा वॉट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग तो इस तरीके से हम ईजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अब इसके बाद अगर इसका क्ला केमिकल क्लासीफिकेशन देखेंगे तो केमिकल क्लासीफिकेशन में इसको जो है सिक्स ग्रुप में क्लासीफाई किया ये जो ड्रग्स हैं जो हमने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में लिखा है उसको उनके स्ट्रक्चर इस्ट्र, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर, एंटी टीबी ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन बी क्लासीफाइड उन टू सिक्स मेन ग्रुप इसको छः मेन ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट एसिड सेकेंड पैराडीन डेरेवेटिव थर्ड पैराजीन डेरीवेटिव फोर्थ अमाइड डेरिवेटिव, सिक्स इथिलीन डायामीन डेरिवेटिव एंड सेवन एंटीबायोटिक ये सिक्स जो है वो एंटीबायोटिक है पहला पैरामीनोसेलिसिक एसिड सेकेंड पैराडीन डेरिवेटिव, पैराजीन डेरिवेटिव, अमाइड डेरिवेटिव, इथिलीन डायामीन डेरिवेटिव एंड लास्ट वन इज एंटीबायोटिक इस तरीके से हम इसको छः पैराोसेलिस एसिड पैराडीन डेरेविटिव पैराजीन अमाइड डेरिवेटिव, इथिलीन डायमीन डेरिवेटिव एंड एंटीबायोटिकायोटिक जिसको एंटीबायोटिक तो इस तरीके से अब इसके एग्जांपल्स जैसे हमने यहाँ देखा पैराोसेलिस एसिड में फोर अमीनो सेलिसलिक एसिड एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं पैराडीन डेरेवेटिव के अंदर आइसोनियाजाइड एंडियोन आइसोनियाजाइड एंड इथियोमाइट पायराजीन डेरिवेटिव पायराजीनामाइड, पायराजीन डेरिवेटिव में पायराजीनामाइड, अमाइड डेरिवेटिव में थाया एसिटाजोन अमाइड डेरिवेटिव में थाया एसिडोजोन ऐसे इथिलीन डायामीन डेरिवेटिव, इथेमब्यूटोल इथिलीन डायामीन डेरिवेटिव, इथम्बियोटॉल ऐसे एंटीबायोटिक के अंदर साइक्लोसेरीन है इस्टेप्टोमाइसिन है रिफामपिसिन है एंटीबायोटिक में साइक्लोसेरीन है स्टेप्टोमाइसिन है रिफाम्पीसिन है ये क्लासिफिकेशन हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर ट्यूबरकुलर ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिक्स मेन ग्रुप फर्स्ट पैरासलिसिक एसिड सेकेंड पैराडीन डेरिवेटिव, थर्ड पैराजीन डे फोर्थ अमाइड डे फिफ्थ इथिलीन डायामीन डे एंड सेवन लास्ट वन सिक्स लास्ट वन इज एंटीबायोटिक अब इसमें एग्जाम्पल डा फोरामो एसिड पैराडीन में आइसोनियाजाइड एंड एथिय, एथियोनामाइड एंड पैराजी डेरीवेटि पैराजीड अमाइड डेरीवेटिव में थाया एसिटाजोन एथिलीन डायामी डेरेवेटिव एंटीबायोटिक में, में साइक्लोसेरीन है इस्टेप्टोमाइसिन है एंड रिफाम्पिसिन है इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये है सिंपल क्लासिफिकेशन फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग अब इसके बाद इसका इस स्ट्रक्चर हम देखेंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोनियाजाइड जिसको हम आइसोनिकोटेनिक हाइड्राजाइड भी बोल सकते हैं नियाजाइड आइसो नियाजाइड ये स्ट्रक्चर इस हम इसके अंदर देखेंगे आइसो नियाजाइड अब इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस अगर हमने देखा तो इसके अंदर पैराडीन डेरिवेटिव जो हमने लिखा था पैराडीन का स्ट्रक्चर है अगर इसको हमने सी ओ ओ ओ सी डबल सी डबल ओ एच इसको अगर हमने अटैच कर दिया तो ये आइसो निकोटेनिक एसिड हम बोल सकते हैं इसको आइसो निकोटेनिक एसिड ये स्ट्रक्चर है हमारा ड्रग जो है आइसोनियाजाइड है आइसो निकोटेनिक -निको एसिड इसको शॉर्ट फॉर्म में आइसोनिकोटिनिक हाइड्राजाइड बोलते हैं जिसका केमिकल नेम है आइसोनिकोटेनिक आई एन एच अक्सर जो एम सिक्यूज़ हैं एम सी क्यूज़ में भी आई एन एच का फुल फॉर्म है आई एन एच कौन सा ड्रग है ये एम सिक्यूज़ इसमें कवर कर सकते हैं आई एन एच आइसोनिकोटेनिक हाइड्रोजाइड अब इसमें मेन न्यूक्लियस जो है आइसो निकोटेनिक एसिड है इसमें हाइड्राजीन को अगर अटैच कर दिया इसको हमने हाइड्रोजीन को अटैच किया एन एच एन एच टू एन एच टू इसको अटैच कर दिया ओ एच को रिप्लेस करके ये निको ये हाइड्रोजीन है और ये निकोटेनिक एसिड है तो अब ये टू ड्रग का नेम हो जाएगा निकोटेनिक हाइड्रोजाइड आइसो निकोटेनिक, आइसोनिकोटेनिक हाइड्रोजाइड आइसो निकोटेनिक एसिड का सॉल्ट हो गया निकोटेनिक हाइड्रोजाइड इसका केमिकल, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने जो लिखा आई एन एच निकोटेनिक हाइड्रोजाइड ये इसका केमिकल नेम सिंपल है कि पैराडीन स्ट्रक्चर है इसके साथ सी ओज ग्रुप है और हाइड्रोजीन इसमें आइस के साथ अटैच किया तो आइसोनिकोटेनिक हाइड्रोजाइड ये आइसोनियाजाइड शॉर्ट में आइसोनियाजाइड अब इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये इसको याद रखें आइसोनिकोटेनिक नि एसिड जिसका शॉर्ट अक्सर जो पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनिक आई एन एच ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ़ आई एन एच केमिकल ने कैमिकल नेम ऑफ आई एन एच इज़ आइसोनिकोटेनिक हाइड्रोजाइड एन स्ट्रक्चर हाइड्रोजीन न्यूक्लियस है सी ओ ग्रुप के साथ हाइड्रोजीन अटैच है आइसोनिकोटेनिक एसिड के साथ हाइड्रोजीन अटैच है तो ये हो जाएगा आइसोटेनिक आइसोनिकोटेनिक हाइड्रोजाइड अब इसके बाद अब एक इसको आ, दे, इसका जो ब्रांड नेम है आइसोनिक्स करके ये आ, मार्केट में अवेलेबल है आइसोनेक्स आइसोनेक्स ये बहुत इम्पॉटेंट है कि मार्केट में ये अवेलेबल है आइसोनेक्स आइसोकिन भी है आइसोकिन भी के नाम से भी अवेलेबल है ऐसे ही अगर इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे अगर इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इटा एज सजे कलरलेस क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इट अकर्स अकर कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ये कलरलेस क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है या वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है फ्रीली सोलबल इन वाटर स्पेरिंगली सोलबल इन इथेनॉल फ्रीली सोलबल वाटर में फ्रीली सोलबल है और इथेनॉल में स्पेरिंगली सोलबल है एंड स्लाइटली सोलबल इन क्लोरोफाम स्लि Soluble in uh, chloroform and very slightly soluble in ethanol, uh, ether, sorry, very slightly soluble in ether, freely soluble in water, sparingly soluble in ethanol, slightly soluble in chloroform and very slightly soluble in ether, very slightly soluble in ether. अब यूजेज़ में देखेंगे तो सिंपल यूज़ इसके लिख सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द आइसोनियाजाइड इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस दोनों में लंग्स में पल्मोनरी लंग्स वाला जो इन्फेक्शन है टी जो लंग्स में हो जाता है इसको पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस हम बोलते हैं और लंग्स के अलावा जो आ, दूसरे ऑर्गन्स में अगर ट्यूबर क्लोसिस हो रहा है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस बोल सकते हैं इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं के पैरा आइसोनियाजाइट्स इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस कि इसको पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं यानी लंग्स में जो टीबी हो गया उसमें यूज़ कर सकते हैं और लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूपस बल्गरिस स्किन का जो टीबी हो जाता है स्किन इन्फेक्शन बोलते हैं स्किन में जो अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं स्किन पर जो अल्सर फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम स्किन का टी बी बोल सकते हैं स्किन के टी बी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको यूजेज लिख सकते हैं अब इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन या डोसेज फॉर्म अगर हम देखेंगे ऑफिशियल प्रिपरेशन या डोसेज फॉर्म देखेंगे तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में देखेंगे कि आइसोनियाजाइड आईपी में भी अवेलेबल है बीपी में भी आइसोनियाजाइड आईपी बीपी आइसोनियाजाइड इंजेक्शन आइसोनियाजाइड इंजेक्शन ये बीपी का और यूएसपी का ऑफिशियल प्रिपरेशन है ऐसे ही आइसोनियाजाइड सिरप एंड टैबलेट फॉर्म में होता है तो ये बी पी और यू एस पी का ऑफिशियल प्रिपरेशन है ऐसे ही आइसोनियाजाइड टैबलेट ये आई पी और बी पी में होता है तो तो डोसेज फॉर्म अगर हम देखें इंजेक्शन फॉर्म में टेबलेट फॉर्म में सिरप फॉर्म में ये तीनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ये तीन डोसेज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अब इसके बाद एक और चीज़ है कि दूसरा स्ट्रक्चर इस हम इसका ड्रॉ करेंगे ईथम ब्यूटॉल इथम ईथम ब्यूटॉल ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इथम ब्यूटॉल है इसमें इसके नेम को पहले कंसीडर करेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं इथम ब्यूटॉल इसमें एक वर्ड है ई टी एच एक वर्ड है ए एम एक वर्ड है ब्यूट और एक वर्ड है ओ एल तो यहाँ हम कंसिडर करते है इथिलीन विथ ग्रुप अमीनो ग्रुप भी है इथिलीन ग्रुप है अमीनो ग्रुप है ब्यूटेन है और ओ एल एम तो है ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम अगर कंपाइल कर दें एक साथ मिला लें तो ये बन जाएगा इथम ब्यूटॉल ई टी एच अमीनो ग्रुप विथ ब्यूटेनॉल इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं अगर हमने यहाँ एक स्टा बहुत सिंपल वे में हम इसको ड्रा कर सकते हैं सी एच टू ओ एच यहाँ अगर इथेनॉल, ब्यूटेनॉल में चार कार्बन है, विथ OH एच ग्रुप तो यहाँ इसको ड्रा किया सी एच टू सी एच थ्री यहाँ सी एच टू ये हो गया वन ब्यूटेनॉल ये वन ब्यूटेनॉल ब्यूटेन वन ऑल अब इसमें एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया यहां से और यहां पर अमीनो ग्रुप अटैच किया टू अमीनो वन ब्यूटेनॉल ये हो जाएगा टू अमीनो स्ट्रक्चर देखें टू अमीनो ब्यूटेन ब्यूटेन वन ऑल टू अमीनो ब्यूटेन वन ऑल ये स्ट्रक्चर है ये सेम स्ट्रक्चर हम एक और बार रिपीट करेंगे इसको इसको रिपीट किया सी एच टू ओ एच सी एच सी एच टू सी एच थ्री यहाँ एन एच टू लगा दिया ये हो ये स्टाइ ब्यूटेनॉल हो गया टू अमीनो अमीनो ग्रुप विद ब्यूटेनॉल टू अमीनो टू अमीनो ब्यूटेन वन ऑल या टू अमीनो वन ब्यूटेनॉल अब एक चीज जो यहाँ बची है एथिलीन बचा है एथिलीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अब यहाँ अगर ये यह ग्रुप इसके साथ अटैच होगा तो एक ये बॉन्ड ख़त्म होगा बॉन्ड खत्म होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये इसके साथ अटैच होगा ये इसके साथ अटैच होगा ये इसके साथ अटैच इस तरीके से ये अब हम इसको स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से ड्रा कर सकते हैं सी एच टू ओ एच सी एच सी टू एच फाइव ऐसा लिख सकते हैं हम इसको भी यहाँ पर सी टू ये जो स्ट्रक्चर है उसको ट्विस्ट करके लिख सकते हैं सी एच टू ओ एच और ये सी टू एच फाइव को ऊपर लिख सकते हैं यही साइड में लिख सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर हम अगर इस देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें इथिलीन ग्रुप है टू अमीनो ब्यूटेनॉल है तो यहाँ हम केमिकल नेम भी बहुत ईजीली हमने जो लिखा वहाँ पर ये टू टू अमीनो वन ब्यूटेन ऑल ये ब्यूटेन वन ऑल ये लिखा ये देखें दो बार रिपीट हो रहा है दो बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको बाईस वर्ड यूज़ कर सकते हैं दो बार रिपीट हो रहा है बाईस वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इथिलीन के दोनों साइड ये और अगर इसकी नंबरिंग हम करें इसको हम एन कंसीडर कर सकते हैं ये नाइट्रोजन को एन कंसीडर कर सकते हैं ये नाइट्रोजन को एन डैस कंसीडर कर सकते हैं इथेलिन के साथ इथिलीन जो है एन नाइट्रोजन से और डैश नाइट्रोजन से अटैच है एन नाइट्रोजन से और डैश नाइट्रोजन से अटैच है तो यहां इजिली हम इसको लिख सकते हैं एन कॉमा एनडस इथिलीन डैश बाइस ब्रैकेट टू अमीनो वन ब्यूटेनॉल टू अमीनो वन ब्यूटो ये इसका केमिकल नेम बहुत इजी केमिकल नेम है अगर इसके समझ में आ गया एन एन एथिलीन बाईस ब्रैकेट टू अमीनो वन ब्यूटिन ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है इसका केमिकल नेम आसानी से हम इसको लिख सकते हैं और अगर आ, इसका ब्रांड नेम देखेंगे तो ब्रांड नेम कॉम्ब्यूटॉल करके कॉम्ब्यूटॉल करके मार्केट में अवेलेबल होता है कॉम्ब्यूटॉल है और ये एक एक ब्रांड नेम इसका सफिशेंट है और अगर इसके प्रॉपर्टीज़ देखें इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लिख सकते हैं कि इट अक्स एज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन और इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और इट इज़ ऑर्डरलेस ये जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और ऑर्डरलेस है इट इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड ओडर इज़ ऑडरलेस एंड फ्रीली सोलुबल इन वाटर ये भी जो है वाटर में फ्रीली सोलोबल है एंड अल्कोहल इट इज़ फ्रीली सोलेबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड स्लाइटली सोलोबल इन क्लोरोफाम एंड प्रैक्टिकली इन्सोलेबल इन ईथर के अल्कोहल में और वाटर में ये फ्रीली सोलोबल होता है क्लोरोफाम में स्लाइटली सोलोबल होता है और प्रैक्टिकली इसोलेबल इन ईथर इस तरीके से अब इसके यूजेज अगर हम देखेंगे तो यूजेस में जैसे हमने लिखा था इससे पहले ऐसु में के पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिस के अंदर एक्स्ट्रा पलमोनरी ट्यूबर कलोसिस के अंदर तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पलमोनरी एंड एक्स्ट्रा पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिस सेम यूज़ हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इसको पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिस में यानी लंग्स के ट्यूबर क्लोसिस में और वो ट्यूबर क्लोसिस जो लंग्स से बाहर दूसरे ऑर्गन में होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक आइसोनियाजाइड आइसोनियाजा आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन इसको सिंगल सिंगल ड्रग में यूज नहीं करते हैं। इसको पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिस में एक्स्ट्रा पलमुनरी ट्यूबर क्लोसेस में इसको आइसोनियाजाइड के साथ और रिफाम्पिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं तो ईजिली इसका यूज़ कर सकते हैं इट इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिस एंड एक्स्ट्रा पलमोनरी ट्यूबर क्लोसेज अलॉन्ग विद अदर ड्रग लाइक आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन अब इसका अगर ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में देख सकते हैं इथमबियो हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में ये होता है इथमब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड ये बीपी में ऑफिशियल प्रोडक्ट है आईपी और यूएसपी एस पी का इथम्ब्योटॉल टैबलेट बीपी एंड आईपी दोनों में है बीपी में भी है और आईपी में है इथमब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट यू एस पी पी इस तरीके से ये टैबलेट फॉर्म में होता है अक्सर ये टैबलेट फॉर्म में होता है और इसका अगर डोज़ देखेंगे तो डोज वो है कि 15 टू 25 फाइव पर के जी फॉर टू मंथ 15 टू 25 मिलीग्राम पर के जी फॉर टू मंथ फॉलोड बाय 15 मिलीग्राम पर के जी डेली फॉर मोर सिक्स फोर मंथ टोटल सिक्स मंथ ट्रीटमेंट तो छः महीने का टोटल इसका ट्रीटमेंट है इस तरीक़े से हम उसका स्ट्रक्चर है यूज़ेज हैं ऑफिशियल प्रिपरेशन है अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है पैरा अमीनो एसिड, पैरा पैराो सलिस एसिड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो पैराो एसिड है तो अब इसमें पैराो एसिड है ये नाम की वजह से नाम से ही हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं पैरा एसिड जिसको पास भी बोलते हैं पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पास पी ए एस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पास पहला पैरा अमीनो, अमीनो सेलिसिक एसिड अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड का इसके साथ अगर हमने इसको अटैच कर दिया OH, इसको साथ OH अटैच कर दिया तो अब ये बेंजोइक एसिड इसका दूसरा ओ OH एच के साथ अटैचमेंट है इसका दूसरा नाम हो जाएगा सेलिसिलिक एसिड सेलिसलिक एसिड यहाँ पेरा अमीनो सेलिसलिक एसिड यहाँ स्ट्रक्चर है फोर्थ पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे ये पोजीशन पैरा पोजीशन है यहाँ अगर हमने अमीनो ग्रुप अटैच कर दिया तो ये हो गया पेरा अमीनो सेलिसलिक एसिड। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब दो तरीके से इसको नाम दे सकते हैं एक तो मेन न्यूक्लियस बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड की सेकेंड पोजिशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है फोर्थ पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमने इसको लिखा तो ये फोर अमीनो फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेनजोइक एसिड फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेनजोइक एसिड या दूसरा नाम इसका हम लिख सकते हैं जैसे अगर इसको सेलिसरिक एसिड से नाम देना है तो इसको हम ये यहाँ चेंज कर दें ये हो गया जो ब्लैक से है ये सेलिसरिक एसिड न्यूक्लियस ये सेलेसरिक एसिड न्यूक्लियस है और इसकी फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है फोर अमीनो सेलिसलिक एसिड फोर अमीनो सेलिसलिक एसिड। तो इस तरीके से हम इसको दोनों नाते नाम दे सकते हैं फोर अमीनो सेलिसलिक एसिड या फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको जैसे बताया इसको शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा अमीनो एसड पी ए एस एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ़ पी एस तो ये जो एग्ज़ाम में पूछता है कि पी ए एस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसका केमिकल नेम इसको लिखना है और इसको इसका जो ब्रांड नेम है वो पोसोलैक पैरासल ये ये दो तरीके से पोसोलैक भी इसको बोलते हैं पैरासल भी बोल सकते हैं एपासल एपसल करके भी इसका ब्रांड नेम है अब इसमें अगर इसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इट एज ए वाइट क्रीमी और वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर इट अक्कर जैसे वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विथ सलाइन और बिटर विथ सलाइन और बिटर टेस्ट ये दोनों टेस्ट हैं थोड़ा सा बिटर टेस्ट भी आता है सलाइन जैसे नमक जैसे सॉल्टी टेस्ट भी इसके अंदर आता है एंड इट इज़ ओडरलेस इट इज ओडरलेस पैरामो बज एसिड इज ओडरलेस एंड इट बिकम्स डार्किन ऑन एक्सपोजर टू लाइट जैसे ही लाइट पर हम एक्सपोज करते हैं तो ब्लैकिश हो जाता है एंड एयर लाइट में और एयर में जब हम एक्सपोज करते हैं उसको ओपन रखते हैं तो ब्लैकिश हो जाता है तो हम इसको स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज अगर हमको लिखना है तो हम ईजीली लिख सकते हैं इट इट बिकम्स डार्क एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर इन लाइट लाइट रेजिस्टेंट वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट के लाइट से लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर और वेल क्लोज कंटेनर के अंदर इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करते हैं अब यूजेस अगर हम देखेंगे तो यूजेस के अंदर जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा था ये वो ड्रग है सेकेंड लाइन ड्रग के अंदर एक सेकेंड लाइन के ड्रग की कैटेगरी में आता है अकर, अगर अगर पेशेंट इफ़ द पेशेंट इज़ रेजिस्टेंस विद द फर्स्ट लाइन ड्रग दैन द सेकेंड लाइन ड्रग इज़ यूज अगर पेशेंट जो है फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट है तो उसको सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ कर सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पलमोनरी ट्यूबर क्लोसिज इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनियाजाइड एंड इस्टेप्टो इस्टेप्टोमाइसिन इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लाइन ड्रग भी है और इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं आइसोनियाजाइड के और रिफाम्पिसिन के अब इसके इसके बाद इसका अगर ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफिशल प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो ये इसके सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म में भी यूज़ होता है और इसके अंदर सोडियम सॉल्ट फॉर्म में भी यहाँ अगर हाइड्रोजन हटाकर सोडियम लगा दिया तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऐसे ही कैल्शियम लगा कर उसके बैलेंसी को कम्प्लीट किया तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा तो कैल्शियम एमीनोसेल्सलेट आई पी कैल्शियम अमीनो सेलिसलेट कैल्शियम अमीनो सेल्सिलेट टैबलेट फॉर्म में आई में है ये आई का ऑफिशियल कंपाउंड है ऐसे ही सोडियम अमीनो सेलिसलेट सोडियम अमीनो सेलिसलेट आई सोडियम अमीनो सेलिसलेट टैबलेट आई तो ये आई का प्रोडक्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कैल्शियमो अमीनो सेल्सिलेट कैल्शियम अमीनो सेलिसलेट टैबलेट सोडियम अमीनो सेलिसलेट सोडियम अमीनो सेलिस टैबलेट यानी ये जो है टैबलेट फॉर्म के अंदर यूज़ होता है तो इस तरीके से इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन हम लिख सकते हैं अब इसके बाद जो लास्ट ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस के अंदर है तो वो पायराजीना माइड है पायराजीना माइथ पायराजीन विथ अमाइड यह स्ट्रक्चर है पायराजीन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे पायरा जीना पायराजीन अमाइड पायराजीनामाइड ये स्ट्रक्चर है पायराजीन का अब इसमें अगर हमने अमाइड ग्रुप को अटैच किया सेकेंड पोजीशन पे सी ओ टू अमाइड ग्रुप है सी ओ एन टू जिसको सफिक्स में हम लिख सकते हैं कार्बो ये ग्रुप है कार्बोआक्जामाइड प्रिफिक्स में कार्बोमोइल भी लिख सकते हैं प्रेफिक्स में इसको कार्बामोइल अगर हम देखें इसको नंबरिंग किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ दो तरीके से इसके नाम लिख सकते हैं पैराज पैराजीन न्यूक्लियस को मेन स्ट्रक्चर कंसीडर करके वैसा भी लिख सकते हैं और कार्बोआक्जामाइड को हम पेरेंट ग्रुप कंसीडर करके वो भी इस नाम लिख सकते हैं अगर हमने पायराजीन को कंसीडर किया तो यहाँ हम लिख सकते हैं पायराजीन मेन हम लिखेंगे पायराजीन और सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड ग्रुप है तो यहाँ लिख सकते हैं टू कार्बो ऑक्जामाइडो पायराजीन टू कार्बोक्सामाइडो या टू करबो पायराजीन टू करबलो पायराजीन या टू कार्बोक्सामाइडो पायराजीन। अब अगर हमने कार्बोक्सामाइड को सफेक्स में लिखा तो यहाँ कार्बोक्सामाइड लिख दिया कार्बोक्सामाइड है और पायराजीन अपनी सेकेंड पोजीशन से अटैच है तो यहाँ लिख सकते हैं पायराजीन, पायराजीन अपनी सेकेंड पोजीशन से इस वजह से हम लिखें टू वाई एल पायराजीन टू वाई एल 2YL ऑक्जोमाइड तो टू वाई एल दोनों नाम हम लिख सकते हैं इसके अंदर टू कार्बो पायराजीन या टू कार्बामोइलो पायराजीन या पायराजीन टू वाई एल तो ये इसका स्ट्रक्चर इस है जो इजीली हम ड्रा कर सकते हैं और इसका जो ब्रांड नेम है पीजाइड पाइजीन पीजाइड पीजाइड पी जाइड और पाइजीन पाइजीन ये इसका ब्रांड नेम हम लिख सकते हैं और अगर इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे इट अकर्स इज वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डर पाउडर ऑर्डरलेस इट अकर्स इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड इट इज़ ओडरलेस एंड इट इज़

वेरी स्लॉटली सोलबल इन इथेनॉल हम इसके इथेनॉल के अंदर लिख सकते हैं कि इथेनॉल के अंदर स्लाइटली सोलबल है स्पेरिंगली सोलबल इन वाटर एंड स्पेरिंगलीबल इन क्लोरोफॉर्म एंड स्लाइटली सोलबल इन इथेनॉल अब इसके अंदर स्टोरेज हम लिख सकते हैं स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट है ओपन स्पेस में डिटोरिएट uh, होने के चांसेस हैं तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर अब ऑफिशियल प्रिपरेशन अगर इसको देखेंगे तो पैराजीन पायराजामाइड ये आई पी बी पी यू एस पी सी पी का ऑफिशियल प्रोडक्ट है पैराजीनामाइट और टैबलेट फॉर्म में यूज़ होता है पैराजीनामाइट टैबलेट आई पी बी पी यू एस पी ये अब इसके बाद एक लास्ट ड्रग है जो पूछ सकता है स्टेप्टोमाइसिन के यूजेस पूछ सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिलेबस में नहीं है इसके यूजेस इसमें पूछ सकता है स्टेप्टोमाइसिन के तो हम स्टेप्टोमाइसिन के यूजेस लिख सकते हैं कि स्टेप्टोमाइसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्टेप्टोमाइसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्यूबर क्लोसेज जितने टाइप के ट्यूबर क्लोसेज होते हैं जनरली इसको कॉम्बिनेशन में यूज सिंगल ड्रग यूज़ नहीं करते इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं तो दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन में जितने भी ट्यूबर क्लोसेज होते हैं जितने भी टाइप के ट्यूबर क्लोसेज होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन कुछ नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कोलेसस्टाइसिस सिस्टाइटिस कोलेसिस्टाइटिस कोलेसस्टाइटिस में इसको यानी गाल ब्लेडर का जो इंफॉर्मेशन होता है स्टोन गाल ब्लेडर में अगर स्टोन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है कोलेसिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं उसके अंदर में इसको यूज़ कर सकते हैं एंड पेरिटोनाइटिस पेरिटोनाइटिस एबडामिन एबडोमिनल ऑर्गन्स जितने रहते हैं उसके अतराफ में जो मेब्रेन है वो मेम्ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें पेरिटोनाइटिस, पैरिटोनाइटिस मेम्ब्रेन जो एबडामिनल ऑर्गन्स को कवर करती है तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ एंटी ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्यूबरकलोसिस इस्टेप्टोमाइसिन इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्यूबरकलोसिस इट इज़ ऑलसो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन लाइक कोलेसटाइटिस कोलेटाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के अंदर कोलेसटाइटिस के अंदर में इसको यूज़ कर सकते हैं इसका ऑफिशियल प्रिप्रेशन अगर देखेंगे तो इस्टेप्टोमाइसिन सल्फ़ेट आईपीबीपीयूएसपी है इस्टपट्टोमाइटिन स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट इंजेक्शन है स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट टैबलेट है आईपीबीपी में इंजेक्शन आईपीबीपीयूएसपी है तो डोसेज फॉर्म अगर इसको देखेंगे तो डोसेज फॉर्म में टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में ये यूज़ होता है स्टोरेज स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो इट शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस इट शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस कि इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पर टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए तो इस तरीके से हम उसके यूजेस लिख सकते हैं अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जनरली जितने इस्टचारो स्ट्रक्चर है बोर्ड में अक्सर स्ट्रक्चर पूछा है उसका केमिकल नेम पूछा है तो इस्टचर ऑफ़ आइसोनियाजाइड स्ट्रक्चर ऑफ इथम ब्यूटॉल इस्टचर ऑफ पैरामिनोसेलिसिकसिड स्ट्रक्चर ऑफ पैराजनाइड विथ केमिकल नेम एंड यूजेज ऑफ ऑल दिस ड्रग तो ये जितने सारे ड्रग्स के यूजेज हैं ऐसे ही एक्सप्लेंड वॉट इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग एक्सप्लेंड वॉट इज सेकेंड लाइन ड्रग तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन ड्रग क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ये एग्जाम्पल हम इसके अंदर पूछ सकते हैं के ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लासिफाई करो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो सिंपल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद उसके यूजेस हैं एक यूजेस जो है दूसरा ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के यूजेस पूछ सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में अक्सर पूछ सकता है